हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तुरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा। न्यू टेक्नीशियन और पुराना टेक्नीशियन, आप ये वीडियो बिना स्किप करके शुरू से लास्ट तक देखेगा तो ज़रूर अलग सा एक नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि ये आज का ये वीडियो का अंदर जो पीसीबी मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा, ये एक बहुत ही बड़ा टेक्नीशियन का पीसीबी है और वो मेरा पास भेजा है ये रिपेयर करने के लिए। तो बहुत कोशिश किया है रिपेयर करने के लिए, तो लास्ट वो पीसीबी को मैं आज रिपेयर करके आपको देखाऊंगा कैसे रिपेयर किया जाता है। और आपको जो दिखाया मेरा वीडियो का अंदर, एक प्रॉब्लम का ऊपर मैं वीडियो बनाने का समय बहुत कुछ प्रॉब्लम को ऊपर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ और बहुत कुछ शेयर कर देता हूँ एक ही वीडियो का अंदर। तो चलिए, बिना टाइम में वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। एक्चुअली ये पीसीबी का जो फॉल्ट है, ये एक वीडियोकॉन कंपनी का अल्ट्रा स्लिम चैसिस है। ये वीडियोकॉन सेंसर अकाई के अंदर भी यूज़ हो सकता है। और ये चैसिस का जो फॉल्ट है, स्टैंड बाई से ऑन करने का साथ साथ तुरंत वो फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। तो चलिए, ये वीडियो का अंदर आपको देखाऊंगा ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियोकॉन कंपनी का एक अल्ट्रा स्लिम चैसिस है। ये 14 इंच टीवी का अंदर ये चैसिस यूज़ होता है। तो ये चैसिस का एक फॉल्ट है कि इसका ESD ऑन ऑफ ऑन हो जाता है। ऑन करने के बाद साथ साथ स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। ठीक है, चैसिस ऑन करने का साथ साथ स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसीलिए मीटर को मैं 200 DC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया। ठीक है, इस तरह जब फॉल्ट देखा जाता है तो कैसे इसको रेडी किया जाता है, ये वीडियो के अंदर आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और ये पीसीबी का आईसी वगैरह सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा। फर्स्ट आपको इसका फॉल्ट क्या है आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दूंगा और ये रेड वायर मैं नेगेटिव का साथ कनेक्शन करके रखा है, ये मीटर का नेगेटिव पोर्ट का साथ। ठीक है, और चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं सप्लाई दे दिया, इसका पावर इंडिकेटर अभी ऑन है। तब यहाँ पर देखिए, इसका पावर इंडिकेटर हल्का सा जल रहा है। ठीक है, बहुत ही हल्का सा जल रहा है, तो कोई बात नहीं। ये कंडीशन पर ESD सप्लाई कितना है देखिए, 52 वोल्ट। और चलिए, मैं मेरे पास रिमोट है और ये रिमोट मास्टर रिमोट है, वीडियो कॉन सेट करना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो कॉन सेट करने के बाद इसका पावर स्टैंड बाई से मैं ऑन करूँगा और मीटर पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए स्टैंड बाई से जब ऑन किया, 111 वोल्ट आ गया और तुरंत देखिए ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा। देखिए, फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया, इसका ये फॉल्ट है। ठीक है, और दोस्तों ये इसका ESD सप्लाई ये पिन है। ठीक है, आपको ESD पिन पर सप्लाई देके दिखाता हूँ। रिमोट लेके चलिए स्टैंड बाई से ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, स्टैंड बाई से ऑन किया, ऑन करने का बाद कुछ टाइम का अंदर देखिए, मैं रिमोट मेरा पास इधर है, देखिए दोबारा स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो फिर भी आपको दिखाता हूँ स्टैंड बाई मोड ऑन करके। देखिए, जितना बार मैं स्टैंड बाई मोड से ऑन किया, ऑन करने के बाद देखिए मेरे पास रिमोट इधर है और देखिए तुरंत कुछ टाइम का भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है। इसी कंडीशन पर इसका आउटपुट अलग अलग वोल्टेज, ये देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, स्टैंड बाई मोड पर है तो इसीलिए इसका आउटपुट वोल्ट देखिए, ये वोल्ट बहुत ड्रॉप लगता है। ये 4 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, जो रेगुलेटर सेक्शन का पास जाता है मन में लगता है। तो सब कुछ क्लियर करके देखूंगा। और ये साउंड आईसी पर सप्लाई जाता है, देखिए यहाँ पर 9 वोल्ट है। तो चलिए, कोई बात नहीं, ये जो 4 वोल्ट है, एक बार स्टैंड बाई ऑन करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्ट आता है। देखिए, स्टैंड बाई ऑन किया, माय गॉड 10 वोल्ट के आसपास यहाँ पर मिल गया। तो कोई बात नहीं, ये फॉल्ट इस तरह जब देखा जाता है, क्या चेक करना पड़ेगा, ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, TP-Link आईसी होगा। तो दोस्तों, ये TP-Link आईसी है, ये TP-Link आईसी का 2 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आना चाहिए, 3 नंबर पिन पर 8 वोल्ट आना चाहिए। ये वोल्ट आता है कि नहीं, ये एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 2 नंबर पिन है, यहाँ पर मैं मीटर कनेक्शन किया। चलिए दोबारा स्टैंड बाई ऑन करके दिखाता हूँ दोबारा। ठीक है, 2 नंबर पिन पर मैं मीटर कनेक्शन करके रखा है। देखिए, स्टैंड बाई से ऑन किया, देखिए 5 वोल्ट आ गया, तो 5 वोल्ट सप्लाई ओके है और कुछ टाइम बाद स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। तो इसका 5 वोल्ट ओके है। और उसके बाद 3 नंबर पिन पर जो देखना पड़ेगा, 8 वोल्ट। ठीक है, तो अभी वोल्टेज नहीं है, 0.8 वोल्ट देखा जाता है, ये वोल्टेज नहीं है। तो चलिए स्टैंड बाई से मैं ऑन करके देखता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन किया, देखिए 7.1 वोल्ट आ गया। तो दोस्तों, ये 8 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए, तो थोड़ा सा वोल्टेज कम है, तो 8 वोल्ट भी आ जाता है। और क्या चेक करना पड़ेगा, तो फर्स्ट 8 वोल्ट जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है, सॉरी आईसी होता है,
वो आईसीयू को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके देखूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने का बाद ये पीसीबी को चलिए मैं अच्छा करके इसका ऊपर साइड दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये इसका पीसीबी है। ये जो हीट सिंक देखा जाता है इसका अंदर साउंड आईसी है, और ये जो हीट सिंक देखा जाता है इसका अंदर ये कैपेसिटर है, ठीक है। और ये आउटपुट सॉरी ये वर्टिकल आईसी है और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ये एक टेक्नीशियन का पीसीबी है, वो मेरा पास भेजा। अब देख सकते हो ये जो सप्लाई लाइन के अंदर जितना कैपेसिटर है सब कुछ चेंज कर दिया। 110 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर चेंज किया, ठीक है। अब देखिए सब कुछ बहुत कुछ टेस्ट किया, बहुत कुछ चेक किया। चेक करने के बाद वो बताया कि ये आईसी भी चेंज करके देखा और मेमोरी आईसी भी चेंज करके देखा, ये दो आईसी चेंज करके देखा, यहाँ पर कुछ कैपेसिटर चेंज करके देखा, तब भी इसका फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ ये पीसीबी को, और मैं ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाया कि सीरीज लाइन से सप्लाई जब दे देता हूँ, सप्लाई देने का साथ साथ इसका जो सीरीज बल्ब होता है 200 वाट बल्ब वो फुल ग्लो हो जाता है। इसका जो रीजन आपको देखा है वो वीडियो के अंदर, ये पावर सेक्शन का फॉल्ट नहीं है, इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है। तो वो वीडियो आप नहीं देखा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका लिंक दे देगा, तभी मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक देने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए वो उसी का समय टेस्ट करने का समय देखिए थोड़ा सा फायरिंग मिला, तो अच्छा करके देखने के बाद जब पता चला कि देखिए इसका अंदर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फट गया, ठीक है, ये कैपेसिटर फट गया और ये कैपेसिटर भी न्यू कैपेसिटर थोड़ा फूल गया। तो चलिए कोई बात नहीं, फास्ट ये दो कैपेसिटर को चेंज करूँगा, और ये जो कैपेसिटर फट गया ये कैपेसिटर का पोजिशन भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये वो कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है, ठीक है। और ये जो लाइन देखिए बीच में रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का पहले ये जो लाइन जाता है, ये जो डायोड है, ठीक है, ये डायोड से वोल्टेज ये लाइन पर आता है। तो दोस्तों फाइनली ये कैपेसिटर को मैं बाहर करके आपको दिखाता हूँ, और ये क्यों मैं दिखाता हूँ कि ये पीसीबी जिसका मैं रिपेयर करके देता हूँ उसका मैं वीडियो लिंक भी शेयर कर देता हूँ कि आप देखिए मैं कितना पार्ट्स चेंज किया, ठीक है। तो और इसका अंदर जो अलग अलग कैपेसिटर जो डैमेज मिला ये भी चेंज कर देता हूँ, और वर्टिकल सेक्शन का कैपेसिटर डैमेज मिला वो भी चेंज करूँगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये पोजीशन को मैं स्पीड करके आपको दिखाता हूँ, और मैं यहाँ पर तीनों कैपेसिटर चेंज करूँगा। तो देखिए ये पोजीशन पर तीनों कैपेसिटर को मैं ओपन किया, थोड़ा मैं वीडियो को कट कर दिया। ये वर्टिकल पोजीशन का कैपेसिटर है, तो थोड़ा सा मैं फेस कर लेता हूँ और तीनों कैपेसिटर मैं लगा कर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये तीनों कैपेसिटर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये 470 माइक्रोफेरेट का, और मैं ये पोजीशन पर 35 वोल्ट कैपेसिटर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है, 470 माइक्रोफेरेट का। तीनों कैपेसिटर न्यू लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा फूल गया। और ये लगाने के बाद इसका जो मेन फॉल्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, मैं ये पीसीबी का जितना पार्ट्स चेंज करूँगा सभी देखूँगा वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट ये कैपेसिटर को सोल्डरिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये पीसीबी को मैं अच्छा करके चेक करने के बाद जब पता चला, आपको बहुत क्लियर करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस तरह प्रॉब्लम जब देखा जाता है कि दोस्तों स्टैंड बाई से मैं जितना बार ऑन कर रहा हूँ वो तुरंत स्टैंड बाई मोड पर फिर चला जाता है, ठीक है। और इसी टाइप और एक प्रॉब्लम है कि ऑटोमेटिक ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, इस तरह प्रॉब्लम भी देखा जाता है। तो दोस्तों वो अलग सा फॉल्ट है, तो उसका ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। और ये जो फॉल्ट है कि स्टैंड बाई मोड पर वो चला जाता है स्टैंड बाई ऑन करने के बाद, जितना बार मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ तो स्टैंड बाई मोड पर दोबारा चला जाता है, तो ये इसका फॉल्ट है। और इसी टाइम आपको इसी तरह जो फॉल्ट है ये देखने के लिए आपको ध्यान से जो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट आपको दिखाया कि 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका 5 वोल्ट ओके है, 8 वोल्ट थोड़ा कम है, तो लगभग 8 वोल्ट का आसपास ही है, तो ओके काम चल जाएगा। तो और जो देखना पड़ेगा, देखिए पीसीबी को मैं थोड़ा सा दूर रखा है ये बेस बोर्ड को, और इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा ये जो ईएसटी का फाइनल एनोड है, यहाँ पर मैं यह मैं पूरा लोगड़ी के साथ ही सेट कर देता हूँ, क्योंकि इस तरह सेट करने के बाद जो पता चल जाएगा ईएसटी बनता है कि नहीं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बात है, आपको ईएसटी ऑन होता है कि नहीं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों स्टैंड बाई वोल्टेज रिलीज होने का बाद ईएसटी का पास जो प्रॉपर वोल्ट आना चाहिए ये आ जाता है,
और पर्पल जब आ जाता है इसी का साथ साथ ESD ऑन हो जाता है कि इसी का साथ साथ मेन प्रोसेसर IC से जो एच आउट सिग्नल ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर चला जाता है, ठीक है। तो जब ट्रांजिस्टर पर सिग्नल जाएगा ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा, स्विचिंग होने के बाद ये ड्राइवर कॉइल पर सप्लाई आएगा, सप्लाई आने का बाद ये ड्राइवर कॉइल से फ्रीक्वेंसी आउटपुट होने के बाद ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर चला जाएगा और पहले से ही सप्लाई ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर मौजूद होगा। तो और बेस सिग्नल यहाँ पर आने के बाद ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग मोड पर चला जाएगा, जब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा तब ESD ऑन होगा और ESD ऑन होने के बाद ESD का जो फाइनल एनोड है यहाँ से वोल्टेज जो ये फायरिंग देखने को मिलेगा और उसी का साथ जो देखना पड़ेगा कि 184 लाइन। तो दोस्तों ये 184 लाइन है, ये 184 लाइन पर वोल्टेज 184 के आसपास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए इसी टाइम सप्लाई देके आपको देखूंगा कि ESD बांधता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर देखिए अभी ऑन है, ठीक है। इसी टाइम इसका ESD सप्लाई आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सप्लाई लाइन है इसका ESD सप्लाई 52 वोल्ट है, क्योंकि मैं कुछ कैपेसिटर चेंज किया, ठीक है, इसीलिए थोड़ा वोल्टेज बढ़ गया। और ये जो सप्लाई लाइन देखिए ESD पर सप्लाई जाता है, ठीक है। और चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया, ESD सप्लाई अभी देखिए 110 वोल्ट और ESD पर कुछ भी फायरिंग नहीं है। अब अच्छा करके ध्यान दीजिए और दोबारा ये स्टैंड बाई मोड पर फिर भी चला गया। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा मैं स्टैंड बाई से ऑन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट इसी टाइम 184 लाइन पर कितना होल देखिए, 184 लाइन पर कितना होल आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप पर 55 वोल्ट ESD सप्लाई जैसा सेम वोल्ट। तो चलिए मैं स्टैंड बाई से दोबारा ऑन कर देता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया, 184 लाइन पर देखिए ESD सप्लाई जैसा सेम वोल्ट, दोबारा स्टैंड बाई मोड पर चला गया बट ESD से कुछ भी फायरिंग नहीं मिला। चलिए और आपको और एक कंफर्म करूँगा कि ESD जब ऑन हो जाता है आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन पर है 55 वोल्ट। जब मैं ESD स्टैंड बाई से ऑन करूँगा आपको दिखाता हूँ दोबारा। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया, आउटपुट कलेक्टर ट्रांजिस्टर पिन पर कितना वोल्ट देखिए ESD सप्लाई जैसा सेम वोल्ट आता है, तो मतलब ESD ऑन नहीं हो रहा है। आपको क्या क्या चीज़ दिखाया, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ESD सप्लाई जितना देखा जाता है सेम सप्लाई 180 वोल्ट पर लाइन पर देखेगा तो ESD नहीं बांधता है, ये आपको कन्फर्म होना चाहिए, एक नंबर पॉइंट। दो नंबर पिन आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर, ठीक है, ये ESD जैसे सप्लाई जो जाता है आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर, यह पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। ESD सप्लाई जैसा सेम वोल्ट देखेगा तो तब भी ESD ऑन नहीं है, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, ये जो ESD का फाइनल एनोड है यह पर फायरिंग जरूर मिलेगा ESD ऑन होगा तो। तो दोस्तों जो कन्फर्म किया ESD अभी ऑन नहीं है। तो ESD ऑन नहीं है इसका रीज़न क्या है, इसका बहुत कुछ रीज़न है, इसके ऊपर मैं मेरा चैनल पर बहुत वीडियो बना के रखा है, ठीक है। तो वो आप नहीं देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बातें, कुछ लिंक आपको दे सकता हूँ। इसी टाइम जो ESD नहीं बनेगा तो आपको ये जो ड्राइवर है, ठीक है, ये जो ड्राइवर कॉयल है जो आउटपुट एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का एक पिन के साथ बेस पिन के साथ ये कॉयल कनेक्शन है। और ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का एक पिन नेगेटिव के साथ कनेक्शन है और ये जो नेगेटिव ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो ये ड्राइवर कॉइल पर एक बार सप्लाई चेक करना पड़ेगा कि ये सप्लाई नहीं आएगा तो तब भी ESD ऑन नहीं होगा। और ये सप्लाई ये कॉइल से जो जाता है ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर, ठीक है, ये जो सप्लाई जाता है, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये पिन पर सप्लाई इनपुट होता है, ठीक है, ये बीच में एक रेजिस्टेंस है और यह से सप्लाई ये कॉइल का ऊपर साइड इनपुट होता है और यहाँ से बीच में कॉयल है, ये ड्राइवर कॉयल है और यहाँ से जो सप्लाई जाता है देखिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर जाता है, ठीक है। तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर ओके होना चाहिए। इसी टाइम मैं ओनली ड्राइवर ट्रांजिस्टर का एक बार चेंज किया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि ये पॉइंट पर कितना वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद ड्राइवर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर ये लाइन से वोल्टेज आउटपुट होता है कितना वोल्ट, तो
देखिए ये कॉइल पर कितना वोल्ट मिलता है, 11 वोल्ट। ठीक है, इसका कॉइल का आउटपुट पॉइंट पर देखिए 11 वोल्ट मिलता है। ठीक है, और जब मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ, इसी का साथ साथ वो वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन किया और ये पॉइंट पर वोल्टेज देखिए डाउन हो गया, देखिए डाउन हो गया ये पॉइंट पर। और जब स्टैंड बाई मोड पर आ जाता है तो ये वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये ट्रांजिस्टर को मैं चेंज किया। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो तब भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, और ये मेन प्रोसेसर आईसी खराब होगा तो तब भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसका रीजन अलग है। चलिए मैं तो दोस्तों कैमरा को मैं सेट किया इसी टाइम, आपको जो दिखाना चाहता हूँ मीटर को मैं इसी टाइम बाजार रेंज पर सिलेक्ट किया। ठीक है, और बाजार रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ, देखिए मीटर का नेगेटिव कॉर्ड मैं ये पॉइंट से कनेक्शन करके रखा है क्योंकि ये पॉइंट नेगेटिव है, और ईएसटी नहीं बनेगा तो बहुत कुछ रीजन हो सकता है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, लेकिन ये मेरा दोस्त ये ट्रांजिस्टर को चेंज किया। ठीक है, ये लाइन का सभी कैपेसिटर को चेंज किया, सिर्फ इसका ईएसटी चेंज करने का बाकी है। तो चलिए आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये ईएसटी सप्लाई से, सॉरी ईएसटी सप्लाई ये पिन से इसका आउटपुट पॉइंट से ये वोल्टेज कलेक्टर पर आता है, और एक पिन ड्राइवर ट्रांसफार्मर का एक पिन से कनेक्शन है, और एक पिन क्या होता है नेगेटिव। देखिए मैं मीटर को नेगेटिव बाजार रेंज पर कनेक्ट करके रखा है, देखिए अभी बाजार बाज रहा है। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर का एक पिन जो नेगेटिव होना चाहिए, देखिए ये पिन नेगेटिव आउट हो गया, देखिए ये पिन नेगेटिव आउट हो गया, कुछ भी कॉन्टिन्यूटी नहीं है। आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखिए ये नेगेटिव के साथ कॉन्टिन्यूटी दे रहा है। ठीक है, देखिए ये पिन नेगेटिव से पूरा आउट हो गया। चलिए इसका सप्लाई पिन देखिए शॉर्टिंग नहीं है, और चलिए इसका अलग सा पिन देखिए ये भी शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन एक पिन जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ये लाइन ये ड्राइवर कॉयल के साथ भी कनेक्शन है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पूरा आउट हो गया। देखिए इसके अंदर क्या है, एक मेन सप्लाई लाइन के साथ पीएफ है, और उसका बाद यहाँ पर एक बूस्ट पीएफ है। तो दोस्तों ये बूस्ट पीएफ भी नेगेटिव के साथ आउट हो गया। ठीक है, और उसका बाद ये जो लाइन जाता है, आपको दिखाता हूँ ये जो लाइन, ये पूरा लाइन नेगेटिव के साथ, देखिए पूरा नेगेटिव के साथ कनेक्शन नहीं है, बीच में एक कैपेसिटर है, और ये जो पॉइंट देखिए ये पॉइंट से इधर तक एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस पॉइंट पर देखिए नेगेटिव कॉन्टिन्यूटी मिल रहा है, तो क्या लगता है बहुत पीसीबी का अंदर ये पिन नेगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है जो ईएसटी का नेगेटिव होता है, बट ये पीसीबी का जो नेगेटिव ये डायरेक्ट नेगेटिव के साथ कनेक्शन नहीं है, बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्शन है। तो दोस्तों ये बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू होता है 2.2 ओम्स के आसपास। तो चलिए आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस देखिए ये पोजिशन का रेजिस्टेंस है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये रेजिस्टेंस को आप शॉर्ट भी करके चला सकते हो। ठीक है, और आपका पास रेजिस्टेंस है तो आप रेजिस्टेंस कनेक्शन करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू देखिए 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस ये है, तो मेरा पास अलग से एक 2.2 न्यू रेजिस्टेंस है। तो चलिए ये न्यू रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर एक बार कनेक्शन करके देखूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये अलग सा ये बैंडेड कंपनी का जो सिस्टम होता है इसका सिम्टम अलग सा देखा जाता है, चाइना पीसीबी का सिम्टम अलग सा देखा जाता है। ठीक है, तो न्यू टेक्नीशियन होगा तो आपका अलग सा नॉलेज मिल जाएगा, और पुराना टेक्नीशियन होगा तो दोस्तों तब भी आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपका बहुत एक वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ नॉलेज शेयर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये मैं एक रेजिस्टेंस लगाया, और ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद देखिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये पॉइंट देखिए कॉन्टिन्यूटी अभी शो हो रहा है, बट ये नेगेटिव का साथ जो कॉन्टिन्यूटी ये अलग कुछ भी पिन के साथ शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये दो पिन का साथ कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा जब ये कंडीशन ओके होगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये जो ड्राइवर कॉयल है ये दोनों पिन का अंदर जो कॉयल होता है इसी का रीजन से ये दोनों पिन कनेक्शन देखा जाता है। जब ये कॉयल को आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद चेक करोगे तो ये दोनों पिन पर कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाएगा, आपको ये पोजिशन को भी इस तरह ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी टाइम मैं वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, और यहाँ पर कैमरा पर नज़र आता है कि नहीं अब बताए कि देखिए यहाँ पर ही मैं ईएसटी कैप पर रखता हूँ, और बेसबोर्ड को मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ। ठीक है, तो ज़रूर ईएसटी ऑन हो जाएगा लगता है।
तो चलिए मैं सप्लाई देख के आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, देखिए अभी एसटी ऑन नहीं है और ये कंडीशन पर 180 वोल्ट लाइन पर भी आपको वोल्टेज दिखाना चाहते हो आप फॉलो कीजिए, 52 वोल्ट है। चलिए मैं रिमोट लेके स्टैंड बाई से मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन किया, देखिए यहाँ पर वोल्टेज देखिए 152 वोल्ट, तो लगता है ESD बन गया। बट देखिए दोबारा ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया। देखिए आपको दोबारा रिमोट लेके मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए जब मैं ऑन किया, देखिए 111 वोल्ट का जगह 151 वोल्ट आ गया, तो ESD बनने लगता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ESD का फायरिंग नज़र में नहीं आ रहा है कि लगता है कि इसका ESD थोड़ा दूर हो गया। तो चलिए मैं और थोड़ा नीचे करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस टाइम मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया और देखिए इसका ESD बनने लगता है, लगता है कैमरा नज़र पर आता है कि नहीं। चलिए मैं आपको और कंफर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए दोबारा स्टैंड बाई मोड पर चला गया, ठीक है। और इसी टाइम दोबारा फिर भी स्टैंड बाई मोड से ऑन कर रहा हूँ। देखिए ESD अभी बनने लगता है, ठीक है। ESD फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया। चलिए दोबारा मैं स्टैंड बाई मोड से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया और ESD से देखिए ये फायरिंग होने लगता है और फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो दोस्तों एक काम तो रेडी हो गया, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस को मैं फाइनली कनेक्शन करूँगा। और ये क्यों स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है इसका भी रीजन अलग है। देखिए आपको फर्स्ट बात है कि अल्ट्रा स्लिम PCB है, बहुत अल्ट्रा स्लिम PCB पिक्चर ट्यूब पर कनेक्शन नहीं करोगे तो वो ऑन होने के बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ऑन होने के बाद स्टॉप हो जाता है। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ये PCB को पिक्चर ट्यूब से कनेक्शन नहीं किया है इसी टाइम, ठीक है। तो पिक्चर ट्यूब पर कनेक्शन करके भी आपको दिखा सकता हूँ, बट इसी टाइम आपको अलग तरीका दिखाऊँगा कि सबका पास अल्ट्रा स्लिम PCB नहीं है, तो वो ज़रूर बताएगा सर किस तरह मैं टेस्ट करूँगा। तो चलिए फर्स्ट ये रेजिस्टेंस को एक बार कनेक्शन फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये रेजिस्टेंस कनेक्शन करने का बाद आपको जो तरीका दिखाऊँगा अलग से एक्नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर लगाया और चलिए रेजिस्टेंस को मैं सोल्डरिंग भी काट देता हूँ फाइनली, क्योंकि फर्स्ट टाइम ESD नहीं बन रहा था और ये पोजीशन को बहुत टेक्नीशियन ने नहीं ध्यान देता है, ठीक है। और इसी का रीजन से IC भी सब कुछ चेंज कर देता है। तो इसी तरह ये फॉल्ट रिपेयर करने का समय इसका सब कुछ चेंज हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका ये सप्लाई लगाया और देखिए मैं ये कॉयल कनेक्शन नहीं लगाया, क्योंकि आपको क्या बात है पिक्चर ट्यूब के साथ पूरा कनेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन आपको इसी टाइम देखाऊंगा, देखिए मेरा पास है नॉर्मल सा TV का योक कॉयल है, ठीक है। ये पुराना वाला योक कॉयल है, मैं इस तरह ये सब रिपेयर करके रखा है। चलिए ये इसी टाइम मैं योक कॉयल लगाऊंगा, ठीक है। इसका वर्टिकल हॉरिजेंटल आपको देख के लगाना पड़ेगा और इसका रेड वायर मैं यहाँ पर ही लगाता हूँ। और देखिए मैं योक कॉयल कनेक्शन किया, ठीक है। और योक कॉयल को मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ। रखने के बाद चलिए सेम तरह PCB को मैं थोड़ा दूर रखता हूँ, ठीक है। और इसी टाइम ESD फाइनल एंड को थोड़ा दूर रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको जो बताना चाहता हूँ और बहुत वीडियो में भी ये भी आपको बताया कि योक कॉयल लगाने के बाद ESD थोड़ा हाई बनता है और ESD जो 180 वोल्ट सप्लाई वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टैंड बाई मोड पर ये चला जाता है, योक कॉयल ओपन करने का बाद सप्लाई देगा तो फिर भी ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा, बट इसी टाइम योक कॉयल के साथ मैं कनेक्शन किया, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसी टाइम 184 लाइन पर कितना वोल्ट देखिए, 51 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ रिमोट लेके, ठीक है। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया, वोल्टेज देखिए 194 वोल्ट हो गया योक कॉयल लगाने के बाद। और वह साथ साथ वो स्टैंड बाई मोड पर जब चला जाता था, अभी इस टाइम देखिए स्टैंड बाई मोड पर नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए। देखिए अभी तक इसका जो स्टैंड बाई ऑन करने के बाद जो स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, ये अभी नहीं जा रहा है। और ESD का
जो हाई ऑसिलेशन ईएसटी जो हाई बन रहा है, ये भी इसका साउंड भी आप सुन सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ये वीडियो पूरा देखने के लिए।